अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या दिन में आपके लिए आखिर ये खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बेलगाम की जनगणना की कुछ लड़कियाँ लापता मिसिंग होने की खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है, लेकिन यह खबर फेक है और फर्जी है। ऐसा इनके वालदे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर स्कूल महकमा है, हमारे विपक्ष के नेता मुजफ्फर डोनी साहब है, कारपोरेटर हमारे मुल्ला साहब हैं। लिहाजा तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि जिस तरह से खंजर बिल्ली का नाम, वैसे तो काफ़ी दूर पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं पर पढ़ते हैं तो वो यह खंजर बिल्ली उर्दू स्कूल है। यहाँ तकरीबन 1126 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग पिछले कुछ अरसे से इस स्कूल को बदनाम करने की साजिश चल रही। ये जो है आईडी यही है वो जो वायरल किया गया है, आपने देखा जो हुआ तकरीबन ग्रुप में ये वायरल। ये लड़की का नाम है माही नरगुनकर, वो यहाँ पर बैठी हुई है। वो घर से यहाँ से स्कूल से तो गई, लेकिन वो अपने घर के रिश्तेदारों में गई, फिर वहाँ से सही की यहाँ पर गई। कुछ देर हुआ तो इसी देर होने की बात जब उनकी वालिदा ने किसी के सामने कहा तो किसी ने जो है इस आईडी को वायरल किया। लिहाजा यहाँ पर उनके वालिदा हैं और वालिद भी हैं। ये बताओ क्या हुआ असल में ये बच्ची, क्योंकि बच्ची को देखो यहाँ बच्चे हैं पहले नहीं दिखाओ क्या, और ये कहीं गई नहीं है। ये सबसे पहली बात यह है कि वो यहाँ से मिसिंग नहीं है और ना तो यहाँ से वो किसी और जगह पर चली गई। मतलब ये खबर फर्जी है और कहीं तो भी स्कूल को बदनाम भी करने की कोशिश इस तरह से बात की जा रही, क्योंकि आजकल देखने में मिल रहा है कि सिर्फ एक लड़की नहीं है, ये जो माही नरगुनकर एक लड़की नहीं बल्कि इसके साथ और 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो। बताओ क्या हुआ वो दिन को तो मुझे आधे रात में आई डी मिला था उसका, आई डी मिला था, वो कॉल आया था मुझे तो माई नरगुन तुम्हारी बच्ची क्या करो, घर में वो बच्ची है सब बीजी छाए करो, घर में इतने तुम्हारा आई डी पढ़ाई से है लेके जाओ, तो फोन आया कॉल आया था मुझे। बाद में मैं वहाँ गई, हमारे सास के घर पे गई थी तो हमारे सर देवर को बोली मैं वो लेके आ रही थी, सर लेके आपको दिए मुझे वो। बाद में मैं रोते 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 फिर रही थी इधर उधर, तो कौन तो भी वो जरा वो करे सर वो तुम्हारे घर पे आई थी, तुम्हारा दरवाजा बंद था, तुम्हें बोलो कहना क्या हुआ वो दिन, तुम्हें कहाँ गए थे, तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया पर तुम्हारा आई डी वायरल हुआ सही। दादी आए थे, हम दादी पीछे गलखाने को गए थे, मैं ढूंढी भी नहीं मिली, मैं घर पीछे को ध्यान रखो, दादी ने देखी वो फोन भी नहीं दिख रही है, मैं सही में जाकर बैठी हमें वो मैं उधर से ढूंढी मिली, मैं भी आई डी मार्च करी वहाँ मिला हुआ, मैं अम्मी को फोन लगा को चाचा में देगा आई डी बोलो जी क्या बोली वहाँ मतलब बच्ची इधर रही थी स्कूल को, बन में नहीं आती मुझको थोड़ा शरारत कर रही बोली मैं इधर आके बोली इनको थोड़ा माफ़ करो छोटी है रहने दो, अभी दोबारा ऐसा गलती नहीं करती, मैं लाके छोड़ता हूँ लेके जाता ऐसा बोली, गलती हुई ऐसा बोलने में हाँ ठीक है करके बोले, बाद में लड़की अब नहीं बढ़ती बोली मैं फिर भी बैठ करके बोली, बाद में नहीं बढ़ती बोलने में आ जा करके बोली, मैं बस्ता लेके मेरे साथ में वो आई और फिर बस्ता रख के मेरे घर पे वो मैं घर में नहीं रहने में लड़की के सहेली के घर में जाके खेल रही थी, वो सहेली के घर में ही हमें मिली, वो उसका आई डी किधर पड़ा था हमारे को तो मालूम नहीं है, और फेक आई डी ये करके पूरा गोमभर को वायरल कर रहे हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये वायरल करो ना, हमारी बच्ची हमारे पास है नहीं, इससे इतना साफ जाहिर होता है कि फर्जी खबर किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल होती है। और यह खबर अब दूसरे रियासतों में भी फैली है और वहाँ से हम इंक्वायरी कर पूछ रहे लोग कि ये जो बच्ची है जो खंजरगंज स्कूल से कहाँ लापता हुई है, वो अभी मिली है नहीं मिली है, जबकि वो लापता हुई नहीं, वो घर में ही थी। यहाँ उनके वालिद भी आए, बताओ थोड़ा क्या हुआ। चलिए मेरे भाई का निकाह हुआ था परसों दिन, तो वन में वही भी काम पे था, तो वन में हमारे मम्मी घर पे लेने के लिए आई थी इसको, तो वन में थोड़ा बोले था पेड़ में थोड़ा करके बन में क्या करिए, वो मेरा खंजर के लिए मेरे घर है और मेरा मम्मी घर दिल्ली स्कूल पास है, तो वन में क्या करी मेरी लड़की मैं दादी पर जाते करके बोल के गई बोलते, वन मेरी औरत का मुझे फोन आया जी माई नहीं है लड़की दिख रही नहीं, तो मैं क्या बोला मेरे और कहा दादी पर गई रही थी, तो वन में मेरे भाई का निकाह हुआ, तो वन में मेरे थोड़ी भान की भी तबियत खराब है, तो मेरी मम्मी उधर पर गई थी मेरे भान के घर को,
तो मेरी लड़की क्या करी, मुझे देख के डर के भागी गई मम्मा, अपने जाके सैनिक के घर में बैठी हो, तो खड्डे में घर रख के सैनिक आते हो, क्या करी घूमते घूमते सर पीछे बाजू में घर है उधर, किधर तो जन्म में आई डी कार्ड पड़ा होता हो, तो पढ़ने के बाद वो नंबर देखिए मेरा मिस्टर को कॉल करे हो और आपका आई डी कार्ड पड़ा है इधर से, तो मेरा औरत क्या करी, वो रोते घूमने के बाद घूम रही थी हो, तो कोई भी देख के डाला रहेगा हो, तो मैंने रिक्वेस्ट है ग्रुप से कि ये जो अफवाह है, लेकिन मेरी लड़की तो कहाँ पे गई नहीं, मेरे सामने ही इधर पर बैठी जो है लड़की, और 6 दिसंबर का ये मतला है, आज 9 दिसंबर है, अभी तक ये बात थोड़ी फैल रही है, इसी दिन मेरी लड़की ताबड़तोड़ आधे घंटे के अंदर मेरे घर में आ गई, मुझे रिक्वेस्ट है ग्रुप के साथ। हमारी बच्ची है वो हमारे सामने मिली है, वो 3 लड़की है, किधर के है मालूम नहीं, स्कूल का नाम खराब मत करो, ये स्कूल सब में पहला आई सो है, ये स्कूल बहुत अच्छी है बच्चों के वास्ते, गरीब के वास्ते, अमीर के वास्ते, सबके वास्ते, इधर के सारो इधर के बच्चे बहुत स्ट्रिक है, स्कूल बहुत अच्छी है, वो लड़की को हमारे को मालूम भी नहीं है वो किधर के है क्या पता नहीं, हमारी सिर्फ लड़की गई भी नहीं, हमारे घर पे ही है, हमारे रिक्वेस्ट है देखो अभी इसके बारे में वायरल करूँ। ये खंजर गली गर्ल्स हाई स्कूल जो पूरे जिले में नंबर 1 है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़े जाते हैं, स्कूल इंतजामिया यहाँ पर है, इस बच्चियों को जो यहाँ से लापता होने की जो खबरें जो मौसू हो रही है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, आप इसे किस नजर में देखते हैं, आपने उसके तरफ से क्या किया? बच्ची के दादी जो है हमारे स्कूल को आए थे, उस वक्त पता चला हमने फेसबुक पे ऐसा आई सो है, तो हमारे सब टीचर्स भी बोलने लगे कि ऐसा वायरल हुए सो है, तो हम फौरन उसी वक्त उनकी दादी को बुलाकर पूछे, तो दादी भी स्कूल को आए हो और बच्ची के साथ ही चाहे थे, तो बच्ची भी थी स्कूल भी थी, ये कुछ शरारती तत्व वहीं इसके अंदर ये ऐसे हरकत करने लगे, क्योंकि हमारे स्कूल तो बहुत मशहूर और मारूफ स्कूल है, यहाँ पर जो है लड़कियों की तादाद 1126 लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ते हैं, और यहाँ पर बाकायदा लड़कियों के लिए जो है बहुत ही अच्छा मुकम्मल जो है बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, किसी को भी बगैर इजाज़त के गेट पर गेट के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, और तमाम जो है गेट के ऊपर जो है हमारे काम करने वाले वगैरह जो है पीवन वगैरह हैं वो बैठ कर रहते हैं, इसलिए जो है ये शरारत हो गई है गलती से ये, और ये कौन कर रहे हैं क्या हमारा पता नहीं है, लेकिन ये बच्ची भी है उनके वालिदैन भी हैं, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर मामला, ये खाली स्कूल को बदनाम करने का सर करे सो है, ये हमारे जिले की सबसे बेस्ट स्कूल खंजर गली उर्दू गर्ल्स स्कूल है। स्कूल इंतजामिया ने जो बताया वो हमारे साथ मुजम्मिल डोनी साहब हैं, यहाँ के कारपोरेटर और विपक्ष के नेता भी हैं, सर ये जो स्कूल को लेकर जिस तरह से शुरू है, एक तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है, एक बच्ची गुम होने की खबर माही बच्ची यहाँ पर है, उसके साथ और 3 बच्चियाँ भी खजर गली स्कूल के मिसिंग है, इस तरह की खबरें वायरल हो रही है, उस पर आप माही नाम की लड़की हमारे को भी खबर मिली कि 6 दिसंबर को मिसिंग है, फिर हमने स्कूल हेडमास्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन बहरहाल इस एक बच्ची के साथ में बाकी और भी 3 बच्चों का नाम जोड़ के ऐसे एक फेक न्यूज़ बना के इस स्कूल की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने स्कूल हेडमास्टर से और हमारे MLA साहब से भी हमारी डिस्कशन हुई है, बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमें एक साइबर में कंप्लेंट भी कर रहे हैं, हम जो भी लोग ये जो स्कूल का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि स्कूल को हम जानते हैं पिछले 5-6 साल में बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे नंबर 1 स्कूल ये है, कुछ लोग शरारत करके एक बच्ची की जगह 3-4 बच्चों का नाम जोड़ के स्कूल का नाम खराब करने की कोशिश चली है, हम इनके साथ में हैं और जल्द से जल्द पुलिस कंप्लेंट भी हम करेंगे और इसके पीछे कौन है ये देख के ये करेंगे, लेकिन सबसे हमारे आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी ग्रुप के अंदर अगर मैसेज आ रहा है तो उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले 10 टाइम सोचो कि ये न्यूज़ सही है या फेक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारा भी ग्रुप है कंप्लीट ग्रुप हैट्रिक ग्रुप उसमें भी ये बहुत चल रहा था, सभी से रिक्वेस्ट है कि झूठे अफवाहों पे ध्यान ना दें, खंजर गली स्कूल के अंदर कोई भी बच्ची यहाँ से नहीं गई, एक बच्ची भी नहीं या 4 बच्चे भी नहीं, ये झूठी एक अफवाह है, अफवाहों के ऊपर ध्यान मत दें, और इसके पीछे कौन है इसके पीछे पुलिस भी लगी है, जल्द से जल्द इसके पीछे कौन ये झूठे अफवाह फैला रहा है इसके ऊपर कार्रवाई इंशाल्लाह हम करेंगे। जितने भी यहाँ खंजर गली स्कूल के अंदर जो 1150 बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि खंजर गली स्कूल के हेडमास्टर हो, यहाँ के टीचर्स हो, यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, खास करके हमारे जो स्कूल अडॉप्ट किए हैं फिरोज सेठ साहब, उनके सदारत के अंदर स्कूल चल रही है,
बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाने की कोशिश चली है और हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये स्कूल तरक्की पर जा रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम, एक शिकायत बार बार हमारे पास क्या आ रही है कि स्कूल टाइम में बीच में आके अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे तो जैसे ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर को भी अटेंडेंस मेंटेन करने में मुश्किल रहती है। सभी पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि स्कूल का टाइमिंग 10:15 से लेकर शाम को 5:45 बजे तक है, स्कूल के टाइम के अंदर किसी भी बच्चे को ना ले जाए। हमारी तमाम, हम दोनों कॉर्पोरेटर की तरफ से हमारी तमाम पब्लिक को एक रिक्वेस्ट है। जैसा मुजम्मिल धोनी साहब ने भी कहा कि इस स्कूल को बदनाम करने की साजिश, देखिए सबसे पहले तो उर्दू और उर्दू स्कूलों को ख़त्म करने की वैसे भी मुनज़्ज़म साजिश पहले से शुरू है, लिहाजा एक जगह पर पूरे ज़िला में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले स्कूल के तौर पर जब खंजर गली की पहचान उसे जाना जाता है कि 1126 बच्चे पढ़ना, ये कई 10 स्कूलों 20 स्कूलों को भी मिलकर इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, इल्म हासिल कर रहे हैं, खासकर लड़कियाँ यहाँ पर हैं, और ये स्कूल का नाम इस तरह से बदनाम करना ये ठीक नहीं है। इसके पीछे जो भी है, जो भी साजिश है या जो भी इसके पीछे काम कर रहे हैं वो तो मंजर आम पर आएंगे, लेकिन हमारे पास जब खबर आती है जो भी किसी के भी मोबाइल में आती है तो उसकी तस्दीक हो, उसकी तहकीक हो, तफ्तीश हो, फिर खबर को आगे बढ़ाया जाए। उमूमन कोई जानबूझकर नहीं करता, हमदर्दी में ये बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि उसकी जब बच्चा माँ से बिछड़ा हुआ है, वालिदैन से बिछड़ा हुआ है, तो किसी तरह से वो मिले। लेकिन जब वो एक साजिश की शक्ल अख्तियार करता है तो फिर वो नुकसान का सबब बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि लोग इस तरह से आगे और भी इस तरह से फर्जी खबरें फैलाने से बचें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।